देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज तोशाखाना केस के हवाले से एक अहम समात होनी थी और वो हुई भी, और सेशन अदालत में आज ये समात जो हुई वो बड़ी ड्रामाई रही। पहले इस अदालत में तहरीक इंसाफ के वकला को वक्त दिया गया और कहा गया कि वो अपने हतमी दलाइल दें और इसके बाद आज ही इसके ऊपर फैसला महफूज किया जाएगा। लेकिन पैरेलल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश हुए और वहां पे जो उनकी दरख्वास्त थी उसके ऊपर बिल आखिर फैसला आ गया। तीन नुकात थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने से उठाए गए, जिसको वहां इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जाने से जब फैसला आया तो उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसकी केस की समाप्त की और तोशाखाना केस के हवाले से जो रिमार्क्स है वो आपको बता देते हैं। सेशन कोर्ट ने जो सबसे पहले जो मामला था कि काबिल समात है भी या नहीं, तो सेशन कोर्ट दोबारा इस केस की समात करेगा, ये कहना था इस्लामाबाद हाईकोर्ट का। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के केस काबिल समात करार देने के हवाले से सेशन कोर्ट का जो फैसला था उसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलदम करार दे दिया। दूसरी जानब एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से तहरीक इंसाफ को कुछ तहफ़ुज़ात थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के इन तहफ़ुज़ात को मुस्तरद किया गया और कहा गया कि जो FIA ने अब तक इंक्वायरी की है, जिन फेसबुक पोस्ट की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ बात कर रही है, जो एतराजात दाखिल कर रही है, वो फेसबुक पोस्ट के हवाले से FIA की कार्रवाई में ऐसा कुछ भी नहीं आया, तो यानी कि हुमायूं दिलावर साहब जो सेशन कोर्ट के जज हैं वही इस केस की समाअत जारी रखेंगे। साथ साथ यह भी बताया गया कि जो तहरीक इंसाफ का मौकफ था कि उन्हें 4 प्राइवेट गवाहान पेश करने थे जिनको सेशन अदालत में पेश नहीं करने दिया गया, वो जो 4 प्राइवेट गवाहान के हवाले से जो फैसला था वो भी तहरीक इंसाफ के फेवर में आया और उनके हवाले से अगले हफ्ते के लिए नोटिसेस जारी किए गए। यानी कि जो 3 अहम मामला थे उसमें 2 में तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी, और जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो ये थी कि आज जो सेशन अदालत का फैसला आना था वो फैसला रुक गया और अब इस तमाम दर केस की असर 9 समाप्त होगी और ये एक बड़ा ड्रामाई मोड़ है। इसी हवाले से एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं सीनियर साहबी तजयाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब और उनके हमरा मौजूद हैं रिजवान शाह साहब। शाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, पहले तो इस केस की बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं। ये जो सेशन कोर्ट का जो मामला चल रहा था गुज़र कई दिनों से, काफी ज्यादा तहफ़ुज़ात थे तहरीक इंसाफ को इस कार्रवाई के ऊपर, आज कब कुछ हद तक रिलीफ मिला, बल्कि बड़ा रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को? देखिए, बात यह है कि अगर इस केस को देखा जाए तो नजर इसी तरह आ रहा है कि जैसे हुकूमत जबरदस्ती एक जो है केस को जारी रखवाना चाहती है और अदलिया उस केस को जारी रखने पर इसरार कर रही है, क्योंकि नॉर्मली ट्रायल केसेस जो होते हैं वो छुट्टियों के अंदर कंडक्ट नहीं किए जाते, लेकिन उसके बावजूद इसका कंडक्ट किया जाना, फिर तहरीक इंसाफ के तहफ़ुज़ात को ना सुनना, फिर उनकी गवाहों की लिस्ट को वो भी ना मानना और फिर ज़बरदस्ती कहना कि अभी आप दलाइल दें वरना मैं फैसला महफूज कर दूंगा, तो ये इटसेल्फ एक बिल्कुल एक नज़र आ रहा था कि ये कोई वन साइडेड कोई मामला लग रहा है। तो इसके ऊपर हाईकोर्ट का अच्छा फैसला आया और उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए, क्योंकि देखें मुनीर साहब, बात यहाँ पर PTI की या इमरान खान की या किसी और की नहीं है, बात यह है कि ये अदलिया पाकिस्तान की अदलिया और इधर इस अदलिया से हर एक को इंसाफ बराबर का मिलना चाहिए। अच्छा शाह साहब, ये जो आपने बात की कि चाहे इल्ज़ाम किसके ऊपर भी हो वो उसको फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए, हमारी अदालतें भी देती हैं, हमारे कानून में भी इस बात को कहा जाता है कि फेयर ट्रायल यकीनी बनाया जाए, लेकिन आज हम देख रहे थे कि तवक्को ये थी कि अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला शायद आधा घंटा भी ताखिर से आता तो ऐन मुमकिन था कि आज सेशन अदालत सेशन कोर्ट इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला दे देती, और अगर वो फैसला आ जाता तो फिर कहीं ना कहीं इस बात का इम्कान तो था कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल पड़ जाती। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये टाइमिंग अगर आगे पीछे होती तो बड़ा मसला हो सकता था, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि यही चीज देखने वाली होती है कि अगर एक जज साहब अपने हिसाब से कार्रवाई करना चाह रहे हैं तो उससे जो बड़े हाईकोर्ट के जज हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और मामलात को समझा, क्योंकि देखें ये कोई मामूली केस नहीं है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी, कोई माने ना माने लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और पिछले दौरे हुकूमत इसी सियासी पार्टी का था, तो इसके चेयरमैन की नाअहली का मामला,
ये मामला इतना छोटा सा नहीं है, इसको बहुत ही अदलिया को बारीक बीनी से इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इसके ऊपर अपने को फैसले देने चाहिए। जहांगीर साहब जरा ये बताइएगा, आपसे भी पूछना चाहूंगा कि ये जो दो मामले चल रहे थे, कल से तहरीक इंसाफ कह रही थी कि उनके गवाहान को मौका नहीं दिया गया, वो गवाहान को पेश करना चाहते थे, उनके गवाहान को पेश करने के लिए एक दिन की भी मोहलत नहीं दी गई। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टेक्निकली वो जो रिक्वेस्ट थी उसको अप्रूव किया और जो सेशन अदालत का जो फैसला था उसको मुस्तरद कर दिया। अब आपको लगता है कि जब इस पूरे केस की असर नौ कार्रवाई होगी, सेशन अदालत में इस केस को वापस से सुना जाएगा, तो उसमें एक वक्त दरकार होगा, लेकिन एक चैलेंज अभी भी तहरीक इंसाफ के लिए यही है कि जिन मौजूद जज साहबान के हवाले से कुछ तहफुजात थे तहरीक इंसाफ के, हुमायूं दिलावर साहब ही इस केस की पैरवी करेंगे सेशन कोर्ट में, इसका क्या आपको रद्देमल नजर आ रहा है? जी जहांगीर साहब। जी जनाब, देखिए ये जो चीज है और एक बड़ी अच्छी अलामत है कि जो है हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और जिसको एडजॉर्न कर दिया और अभी ये भी नहीं मालूम है कि उसकी हियरिंग कब होगी। ये तो एक रुख है और इसके सराहा जाना चाहिए। लेकिन दूसरा रुख भी है इसका कि इस केस में जितना इल्तवा डाला गया और मुख्तलिफ गैर हाजिरियां रही, जज और उसके क्या नाम वकला बदलते रहे, गवाहान बदलते रहे, कई हियरिंग ऐसे हुई कि ये कहने पर मजबूर थे कि हमारे पीटीआई वाले इसकी हियरिंग नहीं चाहते और कोई कोई माल प्रैक्टिस है क्या, है क्या छुपाना चाहते हैं क्या नहीं छुपाना चाहते, ये भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं आप देख लेंगे कि ये सारे मराहिल हुए हैं। अब अगर ऐसा हुआ है जाहिर साहब, आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई में तावुन नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? ताखीर भी हरवे तो है, उसको हरवे ना कहें आप, ताखीर हुई किसी वजह से हुई, उसको जस्टिफाइड करके वो बताएं, सब कुछ बताएं, लेकिन ये इतने बड़े बड़े केसेस नहीं थे। अगर इसको चलाया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका मंतकी अंजाम हो सकता था, लॉजिकल एंड जिसे कहते हैं ना, वो हो सकता था। अब ये वाले आए तो ये इतनी जल्दी है इनको कि सुबह से शाम नहीं होने पाते हैं और ये देख रहे हैं उधर हाई कोर्ट बैठी हुई है, वो ये कहती है कि रुको फैसला आ गया है, उनके वकला कह रहे होते हैं कि फैसला रास्ते में वो आ जाए, उन्होंने कहा हम रोकते हैं 12:30 बजे तक रोकते हैं, आने दे ले आए वरना हम फैसला सुना देंगे। ये सारी क्या है और क्यों है, किसी इसे अब कितनी जल्दी है और किसी को डिलन की कितनी फिक्र थी। देखिए नहीं, बीच का आदमी जो है वो जस्टिफाइड फ्लाइंग आंखों से देखता है, वो देखता है चीजों को, तो वो देखता है कि कहीं पहले उनके साथ था मसला और कभी इनके साथ ये मसला, अब ये चाहते हैं कि हम इनकी हुकूमत चली जाएगी तो फिर ये क्या फैसले हो सकेंगे। और जो जो भी इन्होंने सेट, मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा कोर्ट पे कि वो मुतासिर करने के लिए कि पोजीशन में है या नहीं है, तो सिनारियों बदलने से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अभी ऐलान कर दिया है कि नॉन, लेकिन जहांगीर साहब, जहांगीर साहब ये मुझे जरा बताइएगा जहांगीर साहब कि हमारे यहाँ या तो केसेस के सालों साल फैसले नहीं हो पाते, मैं आता हूं शाह साहब आपकी तरफ, जहांगीर साहब ये बताएगा, या तो हमारे यहां ये होता है कि सालों साल केसेस के ऊपर पैरवी नहीं हो पाती, उनके फैसले नहीं हो पाते, या तो फिर रोज की बुनियाद के ऊपर इतनी जल्दी ट्रायल हो जाता है कि उस पूरे प्रोसेस के ऊपर भी सवालात उठते हैं, ये क्यों है? क्या कोई दरमियान का रास्ता नहीं इख्तियार किया जा सकता? देखिए मैंने बात की उसको आपने समराइज कर दिया और यही दो मैं एक्सट्रीम अब बता रहा था कि ये है, इसकी वजह यह है कि हमें कहीं ना कहीं इंसाफ से भागना होता है और या अपनी मर्जी का इंसाफ लेना होता है। आज की हुकूमत ये है वो कि चाहती है कि ये मंतकी अंजाम को पहुंच जाए, रिकॉर्ड पे आ जाए कि बुनियाद पे जो है वो इमरान खान को हेडलेस कर दिया जाए, पार्टी को उनको सरबरा हटा दिया जाए उनका, और वो उनको चैन का सांस ले, इसलिए जल्दी है और जल्दी जल्दी जो है वो गवाह भी ला रहे हैं, चार गवाह पैदा भी हो गए प्राइवेट के भाई वो हम गवाह देने के लिए तैयार हैं, पहले ना गवाह आ रहे थे ना आ रहे थे,
ना तो पार्ट जिन समाज के लिए जो है वो फिक्स किया जा रहा था वो आ रहे थे, उनके पास बहुत सारे रीजन थे कि वो इस कोर्ट में जाए या इस कोर्ट में जाए, लेकिन जब वो आखिरी लम्हा आता है तो फिर वो सेटल डाउन कर लेते हैं कि मुझे इस ये कोर्ट में वैलिड जाना पॉइंट है है। जहांगीर साहब। मैं चाहूंगा शाह साहब जरा इसके ऊपर इलेबोरेट कर सके। शाह साहब, ये जो जहांगीर साहब क्लेम कर रहे हैं कि गवान का ताल्लुक तो पहले से था, पहले दिन से ही उनको पेश किया जा सकता था, तो क्यों पहले दिन तक पेश नहीं किया शाह साहब? देखें, बात यह है कि जहांगीर साहब का तो खैर मैं बड़ा मुतारिफ हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब के एक्सपीरियंस भी रखते हैं और उनका बड़ा तजर्बा है, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पे हुई है कि जहांगीर साहब ने इस केस के बारे में कि ये डिले मैं कर अपनी रही है, तारीफ पीटीआई कर नहीं क्या है, ये पाया, किसके हैं? बदकिस्मती नहीं, एक मिनट बात सुन ले मेरी। आप बात यह है कि आप इतनी हैरत से इस केस के बारे मेरी में है कह कि रहे हैं जैसे पाकिस्तान की तारीख का ये पहला केस है जो डिले किया जा रहा हो, अगर ये इमरान खान की तरफ या पीटीआई की तरफ से डिले किया जा रहा हो। लेकिन आपकी याददाश्त उसका इतनी जवाब तो होनी अभी दे दो चाहिए, रिजवान आपके साहब। आपके शाह साहब को आपके पहले कंटिन्यू करते हैं। शाह साहब, आप पहले जवाब मुकम्मल करें। आपकी जहांगीर भाई इतनी तो याददाश्त होनी चाहिए ना कि आप ये भूल जाएं कि जिस शख्स के ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी थी उसको दूसरा बना दिया गया, तो वो मिसालें आपको आज याद नहीं आ रही? आज आप पीटीआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो डिले कर रही है। तो देखिए, बात सबके लिए करें, हमारा काम है कि हम सबकी बात करें, किसी एक पार्टी की बात ना करें। ये पाकिस्तान में हमेशा होता रहा है, जो बरतरे इकतदार होते हैं उनका अंदाज और होता है, जो अपोजिशन में या हुकूमत से बाहर होते हैं उनका अंदाज और होता है। लेकिन अदलिया को एक जो है पॉलिसी ऐसी अपनानी चाहिए कि वो सारों के लिए एक जैसा इंसाफ और एक जैसी। लेकिन शाह साहब, मैं अगर ये पॉइंट, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मुझे ये बताया ना, ये जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि जो गवाह को प्रेजेंट करने की जब बात आई, तो क्या ये गवाह की प्रेजेंटेशन पहले नहीं हो सकती थी? क्या उनको पहले अदालत में नहीं लाया जा सकता था? अगर वो पहले आ जाते तो शायद आज ये बहस भी ना हो रही होती। नहीं, गवाहान तो रेडी थे, गवाहान तो आ रहे थे, तो उन्होंने कहा आप आधे घंटे में बुलवाएं। अब अदलिया देखें, कहीं भी आपको सेशंस आज की बात की करें सर, कार्रवाइयों के ये अंदर पूरा एक कहीं भी डिफरेंस है, ऐसा नहीं सीक्वल है। लगेगा, कहीं भी ये जहांगीर साहब ये सीक्वेंस है, तो इसको सीक्वेंस वाइज ही बात करें ना। आपको भी मेरा ख्याल है बहुत जल्दी है जज साहब की तरह कि आप भी फौरन जो है ना फैसला ही सुना दें। देखें, बातों को समझने के लिए लोगों को आपके लिए बहुत कहना और सुनना जज्बाती भी है, जरूरी अभी के होता है। तौर पर नहीं नहीं आएगा। नहीं आप ठंडे होके नहीं सोचेंगे, देखिए, देखें। मैं तो बिल्कुल ठंडा होके बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ठंडा होके सुन नहीं रहे मेरी बात को। नहीं, आप शाह शाह जहांगीर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन शाह साहब आप पहले मुकम्मल कर लें। मेरा चलिए ठीक है, बात मैं यह है कि तो अदलिया बेहतर आपके समझती है कि गवाह कब आने थे कब नहीं आने थे, और ये पीटीआई का काम था कि उन्होंने गवाह कब देने थे। लेकिन बाहर अगर आप देखें तो ये सब चीजें एक अजीब सी लग रही हैं कि आप आधे घंटे के अंदर गवाह ले आए, अपन ने नहीं तो मैं फैसला दे के महफूज कर दूंगा। बल्कि आज आज शाह साहब, आज तो खुद चेयरमैन पीटीआई को भी तलब कर लिया गया था सेशन कोर्ट में। ये देखें, उनको भी तलब कर लिया गया। तो मतलब कहने का मकसद यह है कि कार्रवाई ऐसी ऐसे अंदाज से करनी चाहिए, ऐसे अंदाज से नजर आनी चाहिए कि वो सबके लिए एक बराबर हो। अब आप देखें ना कि ना केस से ताल्लुक है ना कुछ है, अतः तारड़ साहब रोजाना उधर पहुंच जाते हैं, जो हुकूमती ओहदे के ऊपर भी हैं, उनका काम नहीं है वहां पर। ये सब चीजें इस इंसाफ की राह में लाजमी कोई ना कोई परेशानी क्रिएट करती हैं, और ये चीजें कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी तासुब का शिकार हो जाती हैं। ये पॉइंट आ गया। मैं जहांगीर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि देखें, इंसाफ वो है, एक आईन है, एक पाकिस्तान है, तो इंसाफ भी आवाज नहीं आ ऐसा ही रही होना चाहिए। सर, आपका पॉइंट आ गया। जहांगीर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? प्लीज। देखिए, मैं कहता हूं ये अगर इसी तरह की बात की जाए तो ये दूसरे केसेस के सन, ये ऐसा तो लगता रहा 1857 की भी बात हो सकती है, 1947 की भी बात हो सकती है। ये ठीक है, ये केस टू केस होता है, केस जो आता है उस पर बात की जाती है। अगर आप इधर उधर ले जाएंगे कि भाई वो वहां ये हुआ था, तो ये इसीलिए मिसालें दी जाती है कि कभी फैसला ही ना हो। से केस खोलो, कोई कहता है लेकिन जहांगीर बीस साहब, साल से अगर केस। मैं अगर अब माजी करीब की बात करूं, आपकी बात ये सही नहीं है मेरे हिसाब से,
कि आप ये कह रहे हैं कि इस तरह होता, उसकी मिसालें दी जाती हैं तो जाकर काम होते हैं ना सर, बगैर मिसालों के कैसे होता है? लेकिन शाहजी मैं एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा आपको जहांगीर साहब। जी जी बिल्कुल आ रही है जहांगीर साहब। जरा ये बताइएगा कि अभी हम माजी करीब की बात करें तो अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में दो अहम समात हुई, उनके ऊपर जब जब जजेस के ऊपर एतराजात उठे हुकूमत की जानिब से या बेंच की तश्कील के ऊपर एतराजात उठे, उसको किसी ना किसी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंडोर्स किया, ओन किया, और उसको हतमी तौर पे कोशिश की गई कि जो जो तहफुजात हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन यहां पे जब ये बात आई तोशा खाने वाले मामले में तो तहरीकी इंसाफ की तमाम तर इस्तेदा को मुस्तरद कर दिया गया, ये भी तो एक फैक्ट है ना। भाई बिल्कुल ठीक है, ये आप इतराज हो सकता है, इस पे बहस हो सकती है, इसकी मुखालिफत में और इसकी मुवाकत में बात हो सकती है, कोई नहीं रुकता। और ये बिल्कुल ठीक है, एक इनसर्किल चीज होती है, केस टू केस आता है वो करके इधर नहीं निकला जाता। एक जो ना एक जो चीज हमारे सामने होती है उसके उस पर हम जरा कर रहे होते हैं और उसी पर जराही कर रहे होते हैं हम। ये चीजें आप देखें, अगर आप इसी तरह दूसरे मिसालें देंगे तो हजारों मिसालें होंगी, एक जंगल है मिसालों का, आप कहाँ होंगे? आज इसकी बात कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि इसमें इस केस में ज्यादती नजर आ रही थी। ये चीफ जस्टिस साहब ने जो है इस मसले को काफी संजीदा लिया और उन्होंने जमहूरियत बचाने का इसका नाम कोशिश करार दिया, ये बात अपनी जगह पे। हम कब कह रहे हैं कि हम आपकी ये इस तरह नहीं बोलना चाहते, लेकिन आप जो ना अपने फ्रेम में रहे, आज का फ्रेम ये है कि आज जो हुआ है वो कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, और इसी केस की हम बात कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, आज जो हुआ वो सही हुआ? अगर मैं आपसे एक एक देखें, एक इतनी जल्दी जब आप करेंगे, इतनी हरीडली वरीडली आप जो है वो समाप्त करना चाहेंगे, आप इंतजार भी नहीं करेंगे कि हाई कोर्ट का फैसला यहां तक पहुंच जाए, उसे कहते हैं जज, वो उसे कहते हैं वकील से लेके आओ। ऐसी जब ये नजर आ रही है तो उसमें तनकीद तो होगी ना। तो आप कह रहे हैं कि आज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला है वो एक दुरुस्त फैसला है और बर्वक्त फैसला, आप ये कह रहे हैं? नहीं, दुरुस्त फैसला आज तक की जो हकीकत है वो ये है कि इस्लामाबाद का यही फैसला है, लेकिन इसका एडजॉर्न किया गया है, इसके जो नतायज आएंगे उसके उस पर सारे मराहल से गुजर के कोई शक्ल आएगी। इसको आज का फैसला जिस तरह कहा गया है, जिस तरह किया गया, इतना हिस्सा बिल्कुल ठीक है। जहांगीर साहब आपका पॉइंट आ गया, जहांगीर साहब आपका पॉइंट आगे की बात आप भी कह रहे हैं और शाह साहब भी कह रहे हैं कि जो आज का फैसला है, जो इस वक्त जो मामला है उसके तनाजुर में देखें तो एक बेहतर फैसला नजर आता है, क्योंकि जी 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 सही फरमा रहे हैं जहांगीर साहब। ये नहीं कह रहे कि फैसला क्या है या क्या नहीं है, लेकिन जो अदलिया सेशन कोर्ट के कार्रवाई के ऊपर जो एक मतलब उंगलियां उठ रही थी, तज्जिये हो रहे थे, बहस हो रही थी कि शायद वो उस बहस को खत्म कर दिया गया, उस बहस को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। शाह साहब आपका ये पॉइंट आ गया, मैं मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आप ब्रेक पे जाने से पहले ये बात भी आपको जरा बावर कराते चलें कि आज जब ये फैसला है तो यकीन तौर पे एक सेगमेंट इसको बहुत पॉजिटिव ले रहा है, मुस्बत ले रहा है, तो दूसरी जानेब इस फैसले के ऊपर भी तनकीद की जा रही है और बहुत से जो मुखालिफ पार्टीज हैं वो शायद इस फैसले से ज़्यादा मुतमईन नहीं है। लेकिन एक काम बहुत बड़ा है हो चुका इस तोशाखाना के इस तमाम तर शोर शराबे में, हुकूमत ने बड़ी सारी मामलात को तय कर लिया, बड़ी बारीक वारदातें हैं वो हो गई, वो आवाम को पता भी ना चली, वो क्या हुआ कि अवामी बड़े फैसले हुए और शायद इस पूरे मामले के दौरान तोशाखाना पूरी लाइमलाइट लेता रहा और शायद हम दीगर इश्यूज के ऊपर बात नहीं करते, उनके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का ताज़ा होता है। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्का हो रहा था कि ये जो तोशा खाना वाला मामला है, इस तोशा खाना केस ने पूरे पाकिस्तान की मीडिया की लाइमलाइट बटोरे हुई थी। कुछ नहीं तो गुज़िश्ता
4 से 6 माह इस तोशाखाना ने काफी ज्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट रखा, लेकिन इस दौरान क्या होता है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए तक का इजाफा हो जाता है, अगर प्रिसाइसली कहूं तो 19 रुपए 95 पैसे का इजाफा हो जाता है। ये आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करता है। इस दौरान काबीना ने बहुत से बिल्स हैं उनकी मंजूरी दे दी, और आज एक और बड़ा काम हुआ कि जो मीडिया 2023 का जो बिल था उसको मरियम औरंगजेब साहिबा ने पेश किया सेनेट में और उसकी मंजूरी हो गई। ये वो सारे मामलात हैं जो शायद मीडिया की नजरों से ओझल रहे, और इसमें मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला ऐड कर लें, उसमें दीगर अहम इश्यूज को ऐड कर लें, तो इतने सारे इश्यूज हैं जो इस वक्त डिस्कस नहीं हो पा रहे, मफाद आम्मा की बात नहीं हो पा रही। आखिर ये हुकूमती टैक्टिक थी कि इस तमाम तरफ हुकूमत सबकी तवज्जो मरकूज कर दे और ये सारे मामलात हो जाएं। जहांगीर साहब आपसे शुरू करेंगे, जरा इसके ऊपर आप बताएं कि हुकूमत की अगर ये टैक्टिक थी कि तोशाखाना को बेस बना के सारे मामले को इसके गिर्द घुमाया जाए और सारे अपने अहम फैसले कर लिए जाएं, तो हुकूमत ने मेरे ख्याल से बड़े ऐसे तरीके से काम कर लिया। देखिए, पनामा केस था जी और अकामा केस पे फैसला हुआ, ठीक है ना। ये केस पहले शोशा खाना था, घर का छोड़ा हुआ एक शोशा था, इसकी ऐसी नजीरें पहले भी थी, पहले भी जो है इस तरह की खरीदारी हुई है और जो है लोग घर ले गए। अब इसमें एक नई चीज लगा दी गई है कि इन्होंने चूंकि बेचा, इन्होंने FBR में डिक्लेयर नहीं किया और इन्होंने की उसकी कीमत को अंडरस्टिमेट किया, और ये सारी चीजें कानूनी गलतियां हैं और ये जो है एक जराइम का दर्जा रखती हैं, इस पर इन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये एक फ्रेम हो गया केस का। अब इसमें ये चाहते हैं कि इस पे सजा हो जाए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह ये चले जाए। असल नीयत तो ये है ना कि ये वाली पार्टी के हेड चले जाए तो इनकी जान छूटे, इनके लिए मैदान साफ हो, ये भी एक हकीकत है। इसमें हम कोई वो नहीं डाल रहे, ये इस तरह के शोशे और तोशे ये चलते चलते रहे। ये रिजवान साहब सही कह रहे हैं कि आज की बात नहीं है, लेकिन हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जो चीज डिस्कस हो रही है उसकी कोई फ्रेम होती है, कोई फॉर्मेट होती है, कुछ हदबंदी होती है, उसमें बात की जाए। लेकिन जागीर साहब, मुझे जागीर साहब कथा कलामी करूंगा, मुझे ये बताएं, इस तोशाखाना के चक्कर में आपने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी, आप और हम डिस्कस नहीं कर सके, मीडिया पे बात डिस्कस नहीं हुई, काबीना में इतने सारे बिलों की मंजूरी हुई उसके ऊपर उस अंदाज से डिस्कशन नहीं हुई। इस वक्त आवाम की अमूमी मजमूई तौर पे जो इस वक्त सूरत हाल है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो टॉपिक्स पर से पर्दा चले गए। ये तो हुकूमत इसमें कामयाब रही ना कि 1-1.5 साल का जो इनका वक्त था उन्होंने इस तोशाखाना केस के आड़ में गुजार लिया और सारे मामला इसमें अंडर द कार्पेट हो गए। देखिए, एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि तोशाखाने से पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें क्या है, उसके आलमी इम्पैक्ट भी होते हैं, बैन अल-अक़वामी हालात भी होते हैं, यहाँ की हुकूमत की पॉलिसी भी होती है, IMF की पॉलिसीज भी हैं, बहुत सारी वो हैं। उसे तोशाखाना एक सेपरेट केस है और उसको इतना तो आप उसको वो मईशत खराब हो गई हैं, पीछे कहा जाते हैं, बहुत हम 10-20 साल पीछे नहीं जा रहे हैं, हम 4 साल पीछे चले जाते हैं, वहां भी यही सूरत हाल देखने में आई है। ये जो चीजें, अब रहा ये केस क्या है, केस जो तो कोर्ट में है ना, कोर्ट का मतलब क्या है कि वो फैसला तलब केस मसला है। जहांगीर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आता है हम जहांगीर साहब इसके ऊपर जो है ना वो कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लगता है शायद कोई नरम गोशा भी रखते हैं किसी के लिए। बात यह है कि मनीष साहब आपको याद होगा जब ये हुकूमत आई, मैंने आपको अच्छा लगता ना, दिल की ठंडक होती है, इसको हमारा नरम गोशे समझने लगते हैं भाई, ये जस्टिफाइड बात है, इससे आपके नरम गोशे से मेरा क्या ताल्लुक है, ये आपको सख्त जवाब आपको मुझे क्या मिलेगा, आप साफ सुथरे तो बोल रहे हैं, सामने आते भी नहीं। नहीं साहब, आप शाह साहब आप अपना जुमला मुकम्मल कर लें। शाह साहब आता है, आप जस्टिफाइड करें, जिससे मैं आपकी तरफ आता हूँ, पहले तो उसका अनाउंस करें आप, क्या पार्टी नुमाइंदे की उसकी बात कर रहे हैं या आप जो है तजिए के देने की। जहांगीर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे शाह साहब आपका कमेंट लेना है, बात कर लें आप हकायक पे, तो बात कर लें, क्या आप हकीकत बात कर लेना,
मैं बोल रहा हूँ वही हकीकत है। अरे जज काय के लिए बैठे हैं, कोर्ट काय के लिए, उसको होने तो सर दे ट्रायल। जांगी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जांगी साहब, आपके कोर्ट की बात नहीं हो रही है, जो जो मुनीर साहब एक क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब आप देना नहीं चाह रहे ना, तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आप मेरी बात सुने कि मैं उस सवाल का मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। यार सारे जवाब आपसे ज्यादा क्लियर बातें कर रहा हूं। मैं किसी नहीं के नहीं आप फेवर में नहीं जा हमेशा रहा, मैं आप किसी हमेशा बॉक्स क्लियर में बंद बात नहीं करते हूं। हैं। नहीं, आप हमेशा साफ बात करते हैं। अब मौका दें जरा मुझे भी बात करने का। जी बात यह है कि मुनीर साहब, जिस वक्त की आप हुकूमत आई मौका थी, वो आपको देंगे याद आपको। होगा, जी शाह साहब, जहांगीर साहब आप हो गए हैं, आप हो शाह गए साहब, आप हैं। बात कर सकते हैं। चले चले आप बोले, खूब बोले। हाँ चले चले, अब आप सुने जरा गौर से। देखें, बात यह है कि जिस वक्त की हुकूमत आई थी, आपको याद है आपने एक प्रोग्राम किया था मुझसे काफी महीने पहले, जिसके अंदर मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी इतिहादी जमातें, लेकिन मेन दो पार्टी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनकी अगर आप तारीख उठाकर देखें, इन्होंने हमेशा इश्यूज की सियासत को हाईलाइट कर अपनी जाती सियासत को इम्प्लीमेंट किया है। और बिल्कुल ये यही यहाँ पर भी यही हुआ है कि मीडिया के जरिए अवाम को फंसाया हुआ है तोशा खाने के अंदर, और खुद आप 4 दिन के अंदर 54 से ज्यादा बिल्स पास कर रहे हैं, और ऐसे बिल्स पास कर रहे हैं जो आपकी अपनी इतादी जमातें भी उसकी हिमायत नहीं करती। तो आपको ये क्या उजलत है, या उस जज साहब को क्या उजलत है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या ये कोई देखने वाला नहीं है? जब से ये हुकूमत आई है, आवाम के लिए आपने क्या किया? आपने 4 दिन में आवाम के लिए इतना काम किया जितना आपने 4 दिन में जाकर बिल्स अप्रूव करवा लिए? तो ये चीजें देखें, जब कोई गलत काम होता है, कोई बात होती है, तो उसके ऊपर बहस होती है। उस बहस को छुपाना नहीं चाहिए, उस बहस को करना चाहिए, ताकि आवाम को आगाही हो। हमारा काम है आवाम को आगाही देना, हम पास से खबरें नहीं बनाकर दे रहे। हम तो जो जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन शाह साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं तो प्लीज तसीबी कीजिएगा, जाहिर साहब आप भी कीजिएगा, कि जब ये हुकूमत आई तो सबसे पहले तोशाखाना केस उठाया गया, उसके बाद नैब तरामीम हुई, फौरी तौर पे नैब तरामीम की गई, हुकूमत के मफाद में जो तरामीम थी वो की गई, इसके बाद निगरा हुकूमत के हवाले से तरामीम की गई, फिर सेनेट में दीगर तरामीम की गई, तो आइनी तरामीम बहुत सारी हुई हैं, लेकिन अवामी मफाद का काम को इतने बड़े पैमाने में मुझे होता हुआ नजर नहीं आया। कम से कम अगर आप में से जाएंगे, अगर आपको होता हुआ नजर आया तो प्लीज एलैबोरेट कर सकते हैं आप। आप मुझसे पूछ रहे हैं ना। जी, अच्छा देखिए, अब बात ये शायद जो है वो अच्छी लगे, ये देखें कि इंतहाई बेवकूफाना, अहमकाना और खुदगर्जाना फैसला ये हुकूमत का, इसके इत्तेहाद का, ये फैक्ट्री लगती है, ये छपाई हो रही है। आप जो है 12 12 एक आप घंटे में 12 पेश कर दें, बिल पेश कर दें, और पास जिसकी मसव्वदा भी सामने ना हो, और वो पढ़े भी नहीं जाए उस दौरान में, पढ़ने जाने के लिए भी एक वक्त चाहिए होता है, आप छपाई लगाए हुए कि अपने ट्रेन चलाई हुई है, तो ये सारी चीजें आप मान, जाहिर है कि आप कंट्रोल्ड और जहांगीर साहब, डेमोक्रेसी ना। ये भी जरा एलैबोरेट कर दें। आखिरी, मेरे पास 1 मिनट रह गया है, मुझे ये बता दें कि पीपल्स पार्टी शाम में टॉक शोज में इन बिल्स के मुखालिफ होती है, और रात अगले दिन फिर वो बिल सेनेट में पास हो जाते हैं। जी जी जहांगीर जहांगीर साहब, साहब, जी मैं यही कह रहा हूं कि आप ये बात नहीं है कि हम जो स्पेयर कर रहे हैं उनको, इन्होंने भी जिस तरह की सूरत हाल बर्पा की है, निगरान हुकूमत को इलेक्टेड हुकूमत से ज्यादा पावर दे दिए हैं। इसका मतलब है कि इलेक्टेड हुकूमत की शायद जरूरत ही ना पड़े, अगर इलेक्टेड किसी तरह आ जाए, किसी फ्रेम में आ जाए, तो वो कंट्रोल्ड हुकूमत हो, और वो जो है बिलों के तहत जो है चलने वाली हुकूमत हो। ये जब यही शाह साहब, सूरत हाल लास्ट बन, एक शॉर्ट कमेंट, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो शाम में इन तमाम तरह बिल्स की मुखालफत करती है, वो सुबह क्यों इसके ऊपर एंडोर्समेंट कर देती है? लास्ट 30 सेकेंड्स। मैं देखिए आप मुनाफिकन हमेशा की देखिए तरह ना पाकिस्तान सर, में दो किस्म की सियासत हुई है, एक सियासत देखिए वो, आप अब एक चुप सियासत रहे वो आप होती चुप है, रहे वो हैं आप, लेकिन आप ही रह गए हैं, मुझे बोलने दे यार, आपको बोलने दे। मुझसे बात कर रहे हैं ना, आप बीच में फिर दोबारा बोल रहे हैं, आपको टाइम मिल गया जहांगीर साहब, भाई वो मुझसे मुझे उन्होंने बता। मुखातिब हुआ सर ऐसे सर सर, ऐसे शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब, लास्ट 30 सेकेंड, शाह साहब, आप मुझसे अपने अपने मिजाज पे ना करके। जहांगीर साहब, आप पता नहीं क्यों, जब से इस हुकूमत के जाने का टाइम हो रहा है, आपका मिजाज थोड़ा सा भरम ही लग रहा है।
सर मेरे पास प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पहुंचा है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोग यहाँ पे हमारे साथ आज मौजूद थे और इस वक्त जो गुफ्तगू हुई कोशिश तो कर रहे थे कि किसी तौर पे हम उस गुफ्तगू को समराइज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम में वक्त इख्तिताम पे पहुंचा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में सवाल से मजीद गुफ्तगू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।